गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे जस्ट वी आर टीच यू द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर। यानी कि मेरे कहने का उद्देश्य है कि मैं आज आपको सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का व्याकरण का जो पहला जो पार्ट है वह मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने जब आपके सेकंड और फोर्थ सेम के बच्चों को जब मैंने लिखा था और मैंने जब उनसे बात मैंने जब मेरी उनसे बात हुई थी तो बातों के साथ में मैंने यह भी जान लिया था कि BTC सेकंड सेम और फोर्थ सेमेस्टर में 100 में से 80% बच्चे यानी कि 80% बच्चे जो हैं वह अंग्रेजी भाषा में बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। गरीब से मेरा मतलब है पुअर, PRR पुअर है ना। तो आज हम आपको बताएंगे, तो मैंने एक काम किया है कि आज मैं आपको व्याकरण के जितने भी पार्ट्स होते हैं वह मैं आपको बताऊंगा और मैंने ऊपर ही डाल भी दिया है कि सेकंड एंड फोर्थ से हैं, क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण का जो दोनों का जो पक्ष है वह सेम ही है। मतलब कहा जाए तो अंग्रेजी में हम जो भी व्याकरण पढ़ रहे हैं वह सेकंड और फोर्थ सेम का एक ही है। तो आज मैं आपको दोनों के लिए मैं एक ही वीडियो बना रहा हूं और ये आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं GRAMMAR ग्रामर, और यह क्या होता है आपका व्याकरण। ये क्या है कि हम जब हम किसी भाषा को लैंग्वेज को जब हम देखते हैं या फिर हम कुछ कार्य करते हैं उसमें वार्ता करते हैं तब ये चीज हमको मालूम होती है कि किसी भी भाषा में वार्ता करने के लिए बात करने के लिए हमको उसके जो सैद्धांतिक जो पक्ष हैं जो भी उसके कायदे और जो उसके नियम हैं वह भी हमको मानने पड़ेंगे। तो आज हम आपको पहला फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ SPEECH, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। शब्द भेद कोई भी भाषा, क्योंकि आपने हिंदी भी आपने पहले आपने पढ़ी है वहां भी आपको एक चीज बताई गई थी पहले क्या बताएगा था वर्ड आपके ये आप लोग अल्फाबेट होते हैं है ना, हम इनको अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट यानी या एटर, ये क्या होते हैं आपके वर्ण, फिर मेरे आपके होते हैं शब्द WORDS। अल्फाबेट से मतलब है अल्फाबेट यानी कि और लेटर से मतलब है LETER हुआ लेटर से मतलब है कि हम वर्ण से क्या बनता है आपका शब्द, और जब आपके वर्ड्स जब हम बनाते हैं शब्द जब बनाते हैं तब जितने भी वर्ड्स होते हैं शब्द होते हैं वो आपके जितने भी शब्द हैं वह को किस किस प्रकार से किस किस तरीके से हाउ मेनी मेथड वी आर यूज फॉर द वर्ड्स, कि हम कितने तरीकों से बच्चों को व्याकरण और उसका जो शब्द के बारे में हम बता सकते हैं। तो आज हम आपको
पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि आपका सबसे पहला क्या है कि काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ये क्या है आपके कि शब्द भेद के प्रकार, शब्द भेद के प्रकार। तो हम यहां पर पहले तो यह भी जानेंगे कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, वह कितने प्रकार के हैं। तो यहां हम आपको बताएंगे द डेफिनेशन इज दैट कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच द काइंड्स ऑफ 7+1, यानी कि आपके शब्द भेद के कितने प्रकार का होता है, द मैनी प्रकार का, 8 प्रकार के शब्द भेद आपके होते हैं, हम जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये यानी कि देयर आर द वर्ड्स आर काइंड्स ऑफ 8 टाइप्स, दिस इज कॉल्ड बाय द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि यह 5 और 3 8 प्रकार के होते हैं और यही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बोले जाते हैं या इनको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब द फर्स्ट क्या है इसमें, आपका इसमें फर्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपका नाउन, नाउन क्या है, नाउन NOUN, ये आपका क्या होता है, संज्ञा, यह का क्या है, संज्ञा, ये क्या है आपका द नाउन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, कहने का तात्पर्य क्या है इसमें कि आपका जो नाउन है वह किसी भी व्यक्ति का नाम, पर्सन किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस स्थान का नाम और प्लस थिंग आपकी, थिंग से मतलब आपका सामान, आपकी वस्तु का नाम, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप यह संज्ञा इसी व्यक्ति स्थान वस्तु के आम को कहते हैं, है ना, क्या है, किसी भी व्यक्ति के नाम, स्थान का नाम और किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यह भी कह सकते हैं, मैंने यहां पर आपको भी बताया है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यह चीज देखते हैं कि कौन कौन से होंगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी भी व्यक्ति का नाम इसमें ले सकते हैं। अब आपको पता ही है नाम कौन से होते हैं, जैसे कि आपका राम, श्याम, ये हुआ क्या किसी पर्सन का नाम। अच्छा, सेकंड आपकी टी क्या थी, प्लेस, प्लेस नाम क्या है, प्लेस में हम आपको बताते हैं स्थान का नाम, आप जिस जगह पर भी हैं, जिस शहर में भी हैं, जिस नगर में भी हैं, जिस गांव में, जिस
देश में हैं वो सब जगह के नाम जो होंगे वह संज्ञा ही कहे जाएंगे। अब जैसे आपका आगरा है, इटा है आपका, दिल्ली है, और भी जो भी कहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, परसौन हो, जो भी हो, जहां का भी किसी भी शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, तो वह आपका संज्ञा ही कहा जाएगा। अच्छा, इधर क्या आपका आपका ठीक से मतलब है वस्तु। जो भी आप अपने पास की वस्तुओं को देखते हैं और उन वस्तुओं के जो नाम है वह भी संज्ञा ही कहे जाते हैं। जैसे कि आपका पेन है, बुक है ना, पेन, पेंसिल, बुक, और पेन, पेंसिल, बुक, साइकिल, कार, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब आपकी संज्ञा में ही बोली जाती है। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट कॉल्ड बाय द नाउन। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल, राम, श्याम, पेन, पेंसिल, दिल्ली, मथुरा। सो दैट इट इज द कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच द नाउन। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच हम बात करते हैं अब आपके सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच की। तो जहां आपका व्हेन यू थिंक दैट, व्हेन यू हर्ड दैट, कि द मीन्स ऑफ द नाउन, द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच दैट प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन, ये क्या है आपके प्रोनाउन द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द स्पीच। हाउ वी डिस्क्राइब इट, सो आई टोल्ड यू कि व्हाट इज द प्रोनाउन। जैसे हम इसको नाउन को कहते थे, क्या हम नाउन को कहते थे संज्ञा। अभी आया आपका प्रोनाउन, ये क्या है आपका सर्वनाम। जस्ट आई नो इट वेरी वेल कि यू ऑल ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स नो द पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि तुम में से 100 में से 60% से ज्यादा बच्चे संज्ञा और प्रोनाउन विशेषण के बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज आपको पहली वीडियो में, क्योंकि सारे ही जो बच्चे हैं और 2-3 माह से अपना विद्यालय भी इतना नहीं कार्य कर रहा है, बंद है लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से, तो मैं आज आपको पहले ही पार्ट से बिल्कुल बेस से आपको मैं लिख करके चला हूं, ताकि आपको पिछली बातों का भी वो रहे, ध्यान रहे, और दूसरी बात आपका अभ्यास भी हो जाए। क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जहां पर हमको हर एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो दैट इज द पहला काम क्या नाउन, दूसरा वो क्या है प्रो नाउन, ये आप क्या है प्रोनाउन, इज ए वर्ड, डब्ल्यू ओ आर डी, वर्ड विच इज प्रोनाउन, इज ए वर्ड विच इज used in place of noun. यह कह रहा है कि प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, या मतलब जहां पर हमको
नाउन की जगह जब हम प्रोनाउन, नाउन की जगह जब हम दूसरा कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो क्या होता है उनके स्थान पर, क्योंकि मतलब हमको बात आपकी संज्ञा की करनी है लेकिन हम बात वहां ना करके, संज्ञा की बात को ना करके हम क्या कर रहे हैं कि हम संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं, और वह जो दूसरे शब्द जो प्रयोग हो रहे हैं वही प्रोनाउन अथवा सर्वनाम बोले जाते हैं। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह शब्द ही सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मैं एक बार आपको हिंदी में भी बता दूं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे I, we, I, we, you, they, he, she, और यानी कि मैं, ये हुआ आपका मैं, हम, तुम, वे, वह, वह तीलेगा मैं आपकी और माने ये है, ये आपके जो हैं। अब जैसे मैं हूं, मेरा नाम है प्रशांत, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं प्रशांत की जगह, अपना नाम मिलने की जगह मैं स्वयं के लिए एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, और वह क्या है, शब्द मैं, मैं। तो वह क्या है कि हमने नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ वह था शब्द आपका मैं। अब क्या है मैं, हम दो व्यक्ति हैं तो क्या करते हैं प्रयोग हम, अगर हम स्वयं को ही सम्मान देते हैं तो भी हम क्या प्रयोग करते हैं हम। अगर किसी कोई पुरुष है तो हम उसको कहते हैं वह, काम कर रहा है, तो अगर कोई बालिका है तो भी हम कहते हैं वह, लेकिन हमको यह पहचान होनी चाहिए कि वह पुल्लिंग है या कि स्त्रीलिंग है ना। तो ये आपको क्या था, नेम ऑफ द नाउन पर्सन प्लेस और थिंग, द नेम ऑफ द प्रोनाउन विच इज यूज ऑफ द प्लेस ऑफ द नाउन, दैट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन द नाउन एंड द प्रोनाउन, है ना। तो ये तो था आपका प्रो नाउन, यानी कि आपका सर्वनाम। अच्छा, ये हमने आपको दो चीजें आपको बताई, पहले आपको बताया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, सेकंड आपको बताया प्रो नाउन, ठीक है ना। अब क्या है पार्ट ऑफ स्पीच नेक्स्ट,
द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज दैट थर्ड आपका वर्ब वी आर बी यानी कि क्रिया वर्ब वर्ब इज ए वर्ड वर्ब इज ए वर्ड वर्ब इज ए वर्ड विच विच टेल्स वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स समथिंग about a person place or thing ये क्या रहा है कि वर्ब वह शब्द है जो व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के बारे में कोई सी एक बात हमको बताता है. समथिंग से मतलब है कोई भी कुछ भी हमें अगर यह बता रहा है किसी व्यक्ति के बारे में किसी स्थान के बारे में और किसी सामान के बारे में. सामान से मतलब किसी वस्तु के बारे में. तो वह क्या है वह आपकी क्या कहलाती है वर्ब यानी कि क्रिया आपकी. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अब क्या था कि जैसे मैं जैसे ये मेरे से मतलब है कोई भी पर्सन श्याम वेंट या श्याम इज गॉन या तो ये क्या है आपका फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे है आपका ही वेंट ही वेंट डब्ल्यू ई एन टी. अब इसमें क्या है जो आपका वेंट ये क्या है आपका ही He द नाउन और ये क्या है वेंट वेंट इज द वर्ब. यहां पर क्या है कि वह संज्ञा है और जो वेंट है वेंट क्या है क्रिया है आपकी. वेंट माने आपका वो एक होता है शब्द गो ये आपकी एक क्रिया है कौन सी जाना यानी कि गो माने जाना. अब इसमें क्या किया कि इसने जाना की सेकेंड फॉर्म आप में इसने लगाई वह कौन सी है वेंट. वेंट माने जाना और वेंट माने आया तो वह क्या बता रहा है ही वेंट वह यहां से जा चुका है या वह यहां से निकल गया. तो हम जब किसी भी इसके बारे में जैसे हम ये कह सकते हैं दिल्ली is a big city. यहां पर हमने बताया कि आपकी जो दिल्ली जो है राजधानी क्या है वह एक बहुत बड़ा शहर है. तो यह क्या कर रहा है कि ये मैं जो बिग जो है वह क्या है बहुत बड़ा शहर यानी कि हम दिल्ली के बारे में हमें यह चीज बताई जा रही है कि दिल्ली एक बड़ा शहर है. तो आज आपकी ये पार्ट ऑफ स्पीच नंबर थर्ड वर्ब तक हम आपको आज बता चुके हैं. सेकंड वीडियो में जो शेष जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच है वह भी हम आपको बताएंगे. क्योंकि फोन का स्पेस इतना ज्यादा है नहीं तो ठीक है नेक्स्ट पार्ट में
हम ये चीज को देखते हैं। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।